मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि 250 सालों के इतिहास के बाद सावन के सातवें सोमवार के दिन कुछ विशेष दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं। सबसे पहले तो सावन का सातवां सोमवार और नाग पंचमी दोनों का ही एक महासंयोग है, और उसके अलावा इस दिन रवि योग है, शिव योग है और शूल योग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में सातवें सोमवार का जो महत्व है ना, वो कई गुना बढ़ चुका है। और वहीं सावन के सातवें सोमवार से ही चार राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। उनके भाग्य में बम्पर लॉटरी के साथ ही कर्ज मुक्ति और अचानक धन प्राप्ति का महासंयोग बन रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सावन के सातवें सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की विधि के बारे में। कुछ विशेष ऐसे महा उपाय है जो कि इस दिन करने से जीवन में तरक्की, धन प्राप्ति के माध्यम आसान हो जाते हैं और कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है। और साथ ही ये भी जानेंगे सावन के सातवें सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा विधि के बारे में। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए बात कर लेते हैं सावन के सातवें सोमवार से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गो माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गो माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गो माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गो माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि सावन के सातवें सोमवार और नाग पंचमी वाले इस महासंयोग वाले दिन एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर टेम्पो को घुमाकर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1500 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 20 गौ माता को सावन के पवित्र दिन भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं सावन के सातवें सोमवार से सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, सावन का यह सातवां सोमवार कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लक्की साबित हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले आपकी राशि में त्रिग्रही योग बना था, जिससे कुंभ राशि वालों का समय बहुत ही अच्छा लूट कर आएगा और आपकी जो इनकम है जिसमें जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी। यह समय आपके लिए भाग्य उदय वाला साबित होगा। आपको बड़ी उपलब्धि हासिल होगी और इनकम बढ़ने का योग बनेगा। अगर कोई भी पुराना कर्ज हो रखा है ना आपके ऊपर, तो साल 2023 में इन चार महीनों के दौरान आपको कर्ज से छुटकारा मिल सकता है और आपका विदेश जाने का सपना भी पूरा होगा। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमारियों से आपका बचाव होगा। आपका आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा बनेगा। और दोस्तों, व्यापार में अगर कोई भी बड़ी परेशानी आ रही थी ना, तो वो समाप्त हो सकती है। और साथ ही पारिवारिक जीवन खुशहाल
साल होगा, घर में धन सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। अगर कुंभ राशि वाले कोई भी अपना स्वयं का कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, तो 21 अगस्त के बाद से ही व्यापार में आपको जबरदस्त रूप से तरक्की हासिल होगी। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। इस साल 2023 में आपको अपने व्यापार में शानदार प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आप कोई भी जॉब करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो साल 2023 में आपको अपने अनुरूप कोई भी बड़ा उच्च पद हासिल हो सकता है और यह समय आपके लिए प्रमोशन के मद्देनजर बहुत ही उपयुक्त होगा। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, उनका विवाह का योग निश्चित होगा और यह साल 2023 आपके लिए भाग्य के सारे दरवाजे खोल कर लाएगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, आपकी परेशानियां कब समाप्त होगी, कौन सा रत्न पहनना आपके लिए अच्छा और शुभ फलित रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए सावन के 7वें सोमवार से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नू ने नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए सावन का ये 7वां सोमवार बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होने वाला है और विशेष तौर पर आपको धन का लाभ मिलेगा, कारोबार में सफलता हासिल होगी, तरक्की के नए योग बनेंगे, नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में नए नए अवसर की प्राप्ति होगी और लगभग सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही जो लोग अपना कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, इस दौरान आपको अपने व्यापार में बढ़ोतरी होने के संकेत है। नौकरी पैसा लोगों को करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इस अवधि में आपके जो भी रुके हुए काम है वो भी पूर्ण होंगे। जिनकी भी वृश्चिक राशि है, भगवान महादेव और माता पार्वती जी की कृपा से दाम्पत्य जीवन में मिठास बनेगी, आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और नौकरी और व्यापार से जुड़ी हुई दिक्कतें समाप्त होगी, धन में बढ़ोतरी होने के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और लंबे समय से अगर कोई भी आर्थिक समस्या चल रही थी ना, तो वो भी धीरे धीरे दूर होगी। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, मेष राशि वाले लोगों के लिए सावन का यह 7वां सोमवार आपको धन का लाभ दिला सकता है और धन लाभ होने के चलते आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लंबे समय से चल रही धन की समस्या यानी कि जो पैसे की आर्थिक समस्या है वो दूर होगी और आपको अपने काम में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, नौकरी की संभावनाएं बढ़ेगी जिससे आर्थिक लाभ होगा, व्यवसायिक आपका जो बिजनेस है ना वो फलता फूलता नजर आएगा और इस महीने में आप कोई भी नया काम भी शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिलने के आसार होंगे। इसके अलावा अगर कोर्ट कचहरी में कोई भी मामला चल रहा है ना, तो उसका फैसला भी आपके फेवर में आ सकता है। चलिए अब जान लेते हैं सावन के 7वें सोमवार यानी कि नाग पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की विधि के बारे में। तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो सुबह सुबह आप उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं।
और मन में भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। अगर किसी भी नदी में स्नान करने की परिस्थिति में है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो आप नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें और स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद मन में पूजा या व्रत का संकल्प लें और उसके बाद दिन में एक साफ लकड़ी की चौकी लें और उस चौकी पर नाग देवता का चित्र या मिट्टी से बने हुए सर्प की मूर्ति स्थापित करें। फिर नाग देवता को हल्दी, रोली, चावल और फूल इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद नाग देवता को दूध, घी और चीनी मिलाकर चढ़ाएं। पूजा के अंत में नाग पंचमी व्रत कथा का भी श्रवण करें और आरती के साथ पूजा संपन्न करें। इस बार सावन के सातवें सोमवार और नाग पंचमी दोनों का ही महासंयोग एक साथ बन रहा है और साथ ही नाग देवता की पूजा के पश्चात आप भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाएं और वहां पर भगवान भोलेनाथ जी का जल से अभिषेक करें और भोलेनाथ की पूजा करें। इस तरह से विधि विधान के साथ अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करेंगे ना तो साक्षात माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों